एसपी साहब से गया था मेरा बेटा मदद मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। न्याय तो नहीं दिया एसपी ने, लेकिन मेरे बेटे के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ वहाँ पे, जो उस डिफरेंस में आके यहाँ उन्होंने उस लड़का ने आत्महत्या की और छत पर से कूद गया। ये राजिंदर गुप्ता इसे मेन साजिश रचा हुआ है, और राजिंदर ही गुप्ता मेरे बेटे का भी कातिल है, और राजिंदर ही गुप्ता है ना मेरे पति का भी कातिल। मेरे पति को बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन बेटा का कम हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कहीं हो सकता है हम भी जा सकते हैं बच्चे के चक्कर में। इसका कौन है, समाज है कि प्रशासन है, इसकी सजा इसके पास है। मैं राजिंदर गुप्ता कब पकड़ा जाएगा, क्यों इसे छोड़ा जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। आज तक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और फिर भी आज तक उसको नहीं पकड़ा जा रहा। केस ट्रू होने के बाद भी किसी को भी नहीं पकड़ा जा रहा। किस चीज के लिए, किसके इंतजार कर, किसके पास हम जाए। डीजीपी तो चिट्ठी लेने से इनकार भी कर देते हैं, चिट्ठी लेते नहीं है। सुरक्षा मांगा जाता है, सुरक्षा दिया नहीं जा रहा है। मेरा सरकार से यही मांग है कि डीपिंग सरकार सरकारी जमीन के लिए लगाई लग रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो लगाई लग रहा था उसको ऐसे खाली करा जाने का मांग करता हूँ। और वहाँ पर जादवपुर रोड में उसका बिपिन चौक नामकरण किया जाए, और वहाँ पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। और अन्याय के लिए मेरा बेटा चला गया, अब हमको क्या मिला इसके।